व्हाट्स अप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर 6, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो ए है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है पर वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ दो एक्स और वाई है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन ये भी है पर टू वेरिएबल, यहाँ एक्स और ए वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये भी टू वेरिएबल है, तो आंसर हो गया ये थर्ड। अब है बी, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 18 प्लस 2x इज। देखो 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 18 प्लस 2x है, 2x इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 18, यहाँ माइनस 9 है उस साइड जाके प्लस 9, तो 18 प्लस 9 तो ये हो गया 27 और ये हो गया 3x, तो x की वैल्यू आ गई 9, 3 9 जा 27, तो ये वाला आंसर। अब है द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट टू मोर देन ए नंबर वाई, टू मोर देन अ नंबर वाई इज। देखो कह रहा है कि दो ज़्यादा है नंबर वाई से, तो ये है ना दो ज़्यादा नंबर वाई से, तो ये आंसर। अब है द स्टेटमेंट फॉर द एक्सप्रेशन 3a = 15 इज। हमें पूछ रहा है द स्टेटमेंट फॉर द एक्सप्रेशन 3a = 15 इज, तो है 3 टाइम्स अ नंबर ए गिव्स 15, तो ये आंसर है। क्वेश्चन ई, द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन टी बाय 5 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3t इज। तो देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है टी बाय 5 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3t, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले सकते हैं। ये अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो गया टी इंटू 1 इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3t, तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 5 3 जा 15, 15t इक्वल्स टू टी, इधर माइनस में तो इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का हो गया, और ये इधर प्लस में है टी तो इधर जाके माइनस टी, तो 15t माइनस टी होता है 14t इक्वल्स टू 5। अब टी की ये मल्टीप्लाई में इधर तो इधर जाके डिवाइड में, तो टी इक्वल्स टू 5/14, तो सी आंसर है। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ए एफ फॉर द इक्वेशन 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 8, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो 2x इक्वल्स टू माइनस 7 इक्वल्स टू 8, यहाँ माइनस है तो इससे जाके प्लस में, तो 2x इक्वल्स टू 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 होता है 15, तो 2x इक्वल्स टू 15, इधर 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2x मतलब ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 15/2, तो यहाँ हो गया x इज 15/2। अब हो गया फॉर द इक्वेशन 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 56, द वैल्यू ऑफ x इज। देखो 7 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे, तो 7 इंटू x 7x प्लस 7 5 35 इक्वल्स टू 56। अब यहाँ प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 56 माइनस 35 7x इक्वल्स टू 56 माइनस 35, 56 माइनस 35 होता है 21, तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 21/7, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गया 3। अब है द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 7x माइनस 15। देखो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार ये इससे, तो ये 3 2 जा हो जाएगा 6x प्लस 3 7 जा 21 इक्वल्स टू 7x माइनस 15। अब देखो ये इस साइड मतलब ये इस साइड माइनस 15 नेगेटिव में, इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो जाएगा 21 प्लस 15 इक्वल्स टू 7x माइनस 6x, इस साइड प्लस में था इस साइड जाके माइनस में, 7x माइनस 6x होता है x, और ये 21 प्लस 15 हो गया 36, तो x की वैल्यू आ गई 36, यहाँ लिख देंगे आप 36 आंसर। अब है फॉर द इक्वेशन 3 माइनस 4m इक्वल्स टू 0.5 4m माइनस 14, द वैल्यू ऑफ m इज। देखो जहाँ भी 0.5 दिख जाए ना तो जस्ट आधा कर दो मल्टीप्लाई जिससे भी कर रहे हो उसे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4m इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2m, जस्ट आधा, माइनस 14 से 0.54 मल्टीप्लाई करो तो आएगा 7, जस्ट आधा, मतलब आधा कर दोगे ना तो उतना ही आंसर होगा। अब देखो ये इस साइड नेगेटिव में इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2m प्लस 4m इक्वल्स टू, ये इस साइड नेगेटिव में इस साइड जाके पॉजिटिव, तो 3 प्लस 7 तो ये जाएगा 6m इक्वल्स टू 10, तो m हो जाएगा 10/6। अब ये हो गया 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो आ गया 5/3, तो m की वैल्यू आ गई 5/3, आप यहाँ लिखोगे 5/3। अब है इफ़ p 4p इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 8p देन द वैल्यू ऑफ p इज। हमें पूछ रहा है 4p इक्वल्स टू माइनस 20p प्लस 8p है, तो p की वैल्यू क्या है, तो देखो इस साइड नेगेटिव में है 20, तो इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया, और ये 4p इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव, तो माइनस 4p हो गया, 8p माइनस 4p होता है 4p इक्वल्स टू 20। अब 4 नीचे से ले आएगा इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड डिवाइड में,
पी इक्वल्स टू 20/4, 4 5 जो 20, तो पी की वैल्यू आ गई 4 5, तो यहाँ 5 फिल होगा। देखते हैं क्वेश्चन 3, सॉल्व फॉर एक्स। 7x-x 5 इक्वल्स टू 9+2x, हमें बोल रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये इक्वेशन दे रखा हो तो। देखो यहाँ प्लस में 2x, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7x-2x, और इधर ये माइनस में तो इस साइड जाके प्लस में, तो 9x+5, तो 7x-2x होता है 5x, और 9+5 होता है 14, तो x की वैल्यू आ गई इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 14/5, आंसर है ये। अब है क्वेश्चन 4, फाइंड द सॉल्यूशन एंड वेरीफाई 3x+4/2x+5=4/3। देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो ये हो जाएगा 3×3x+4=4×2x+5। अब देखो ये 3×3 9x+3×4 12=4×8x+4×5=20। अब देखो ये 8x इस साइड पॉजिटिव में, तो इस साइड जाके नेगेटिव, तो 8x-9x-8x, और यहाँ ये पॉजिटिव में, तो इस साइड जाके नेगेटिव, तो 20-12, यहाँ बचेगा 9x-8x x, और 20-12 होगा 8, तो x की वैल्यू हो गई 12। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो हमने ये इक्वेशन थी LHS ले ली, LHS में अब x की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, तो 3×8+4/2×8+5। अब 3×8=24+5/3×8=16+5। अब ये हो गया 29/16, और 5 होता है 21, है ना, तो 29/21। अब देखो ये, सॉरी 28/21, ये 4 लिखा है मैंने गलती से, यहाँ 5 लिख दिया, ये 4 है, तो ये 28/21, तो 7×3=21, 7×4=28, तो क्या आ गया 4/3, यही तो RHS था, देखो राइट हैंड साइड भी यही आ रहा है ना, तो LHS=RHS, तो हैंस वेरीफाइड। अब है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है सॉल्व एंड वेरीफाई द इक्वेशन। क्वेश्चन है 2x-5=3x+4। अब देखो ये इस साइड पॉजिटिव में -3x, तो इस साइड जाके नेगेटिव, तो -3x, और ये 5x इस साइड नेगेटिव है, तो इस साइड जाके पॉजिटिव, तो 4+5, ये 2x-3x होगा -x=9। अब ये देखो -1 है, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -9। अब वेरिफिकेशन देखते हैं, वेरिफिकेशन 2x-5=3x+4 दे रखा है, x की वैल्यू हमने निकालती -9, तो दोनों साइड -9 पुट कर देते हैं x से यहाँ पे, तो ये हो गया 3×-9+4, तो ये हो जाएगा 2×-18−5=3×9=27, तो -27+4, ये -27+4 होता है -23, और ये हो गया, ये भी -23, तो देखो दोनों इक्वल आ गए ना, तो हैंस वेरीफाइड। अब है क्वेश्चन बी, 0.4=y/25+y। अब देखो यहाँ हम LCM ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 इन दोनों का LCM होगा 25, तो ये 25y और ये y आ गया, =0.4, ये पॉइंट हटा दिया तो 10 आ जाएगा, =y+25/25। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये मतलब ये इस साइड चला गया 25, इस साइड इधर डिवाइड में था, तो इधर मल्टीप्लाई में, तो 4×25/10। अब देखो 2×4 और 2×5=10, और 5×5=25, तो बचा 2×5=26y, y+25y=26 होता ना, तो 26y=10, 2×5=10, y आ गया 10/26, 10/26 क्या होगा 5/13, तो आंसर आ गया y=5/13। अब वेरीफाई करते हैं, 0.4=y/25+y। अब दोनों साइड नहीं, सिर्फ राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हम पुट कर देंगे वैल्यू y की 5/13, तो 5/13/25=5/13। अब देखो ये अपॉन में फ्रैक्शन हो गया, तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो गया 5/13×1/25, तो 5×5=25, तो ये हो गया 13×5, और यहाँ 13, तो ये मतलब ऐसा हो गया ना, LCM लोगे तो इसका 13×5 आएगा, मतलब 65 आएगा, तो ये इसका LCM हो जाएगा 5×5+1, तो 25+1=26/65। देखो ये आ रहा है, और इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ही आता है, मतलब ऑलमोस्ट 0.4 ही आता है, आप कैलकुलेटर से देख सकते हो। अब क्वेश्चन 6 है, एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एंड देन सॉल्व द सम ऑफ अ नंबर पी एंड 7 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स 12। बोल रहा है एक इक्वेशन है, उस क्या कह रहा है, द सम ऑफ नंबर पी एंड 7, मतलब पी और 7 को ऐड कर दिया, और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 15 दे रहा है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पी की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो ये हो गया 2p+2×7=14=15। अब ये 14 इस साइड प्लस में, अब साइड जाके माइनस में आएगा, तो 15-14 1 होता है, तो 2p=1, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में, तो पी की वैल्यू होगी 1/2। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।